नमस्कार, एनुनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन और जानकारी समय समय पर मिलती रहे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टी और करैक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मोल्डिंग्स एंड क्या है, कितने टाइप्स का है और इसके सोर्सेज क्या हैं, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मोल्डिंग सैंड। सबसे पहले मैं बात करूँगा जो मोल्डिंग सैंड की जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो है रिफ्रैक्टिवनेस एंड परमेबिलिटी, पोरोसिटी, अडहेसिवनेस, कोलैप्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, कोहेसिवनेस, फ्लोएबिलिटी। ये मोल्डिंग सैंड की मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि जो रिफ्रैक्टरीनेस है इसका मीनिंग क्या है और ये प्रॉपर्टी मोल्डिंग सैंड के लिए क्यों ज़रूरी है। अगर मोल्डिंग सैंड की ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो मोल्डिंग सैंड है वो हाई टेम्परेचर पर भी वो स्टेबल रहता है, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी मोल्डिंग सैंड के अंदर नहीं होगी, उसके अंदर क्रैकिंग आ जाएगी, उसकी बकलिंग हो जाएगी और फ्यूज़न हो जाएगा। तो अगर हमें इन तीनों चीज़ों से बचना है तो मोल्डिंग सैंड के अंदर रिफ्रैक्टरीनेस की प्रॉपर्टी का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि ये जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है क्वार्ट्स कंटेंट पे और ग्रेन के साइज और शेप पर। और दूसरी बात, अगर हाइयर क्वार्ट्स होगा उसकी वजह से जो ग्रेन की जो शेप है वो रफ़ हो जाएगी और जो रिफ्रैक्टिवनेस है वो सैंड की बढ़ जाएगी। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है मोल्डिंग सैंड की वो है परमेबिलिटी, और इसको पोरोसिटी भी कहते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मोल्डिंग सैंड की। इसमें क्या है, ये वो प्रॉपर्टी है मोल्डिंग सैंड की जिस इसकी वजह से जो मोल्ड और कैविटी के अंदर जो भी गैसेस बनती हैं वो बाहर निकल जाती हैं सैंड में से। अगर ये प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है कि क्योंकि जो फर्नेंस होती है, लैडल होती है, जब मोल्टन मेटल को प्योर करते हैं कास्टिंग के अंदर, तो उसमें क्या है कि बहुत सी गैसें होती हैं, एटमॉस्फेरिक भी होती हैं, कुछ दूसरी गैसेस भी होती हैं जिनको फर्नेंस लैडल वो एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो दूसरी बात, जब जो मॉइस्चर होता है मोल्टन मेटल के अंदर, जब उसको गर्म करते हैं उसकी वजह से वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और इससे क्या है कि जो गैसेज हैं वो मोल्डिंग सैंड से, कोर सैंड से वो जनरेट होती हैं, और इन गैसेस को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसको बाहर नहीं निकालेंगे तो ये कुछ डिफेक्ट्स हैं जो कास्टिंग में प्रोड्यूस कर देंगी। उसके बाद जो सैंड है, अगर वो कोर्स है या उसकी शेप राउंड ग्रेन है, तो वो बहुत ज़्यादा परमेबिलिटी प्रॉपर्टी को प्रोवाइड करता है। अगर सॉफ्ट रेमिंग है और हमने क्ले को ऐड कर दिया है, तो इससे क्या होगा कि जो परमेबिलिटी है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, उसकी थोड़ी मॉडिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन अगर हार्ड रैमिंग करते हैं या कुछ बाइंडर को ऐड करते हैं, तो इसकी वजह से जो परमेबिलिटी है वो कम हो जाती है। और वाटर के एडिशन से भी, अगर वाटर को हम ऐड कर दें, उसके एडिशन से भी जो परमेबिलिटी प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है। और अगर जो गैसेस हैं और जो वाटर वेपर्स हैं, अगर हम इनको मोल्डिंग सैंड से बाहर ना निकालें, तो इससे क्या होगा कि प्रॉपरली अगर वो मोल्ड से बाहर नहीं आएंगे तो वो कास्टिंग के अंदर कुछ गैस के होल्स और पोर्स को बना देंगी, और इन कास्टिंग में जो होल्स और पोर्स बनते हैं उसको ही हम पोरोसिटी डिफेक्ट कहते हैं, और ये कास्टिंग डिफेक्ट का एक टाइप है। तो इससे हमें बचना है, तो इसके लिए हमें चाहिए कि जो सैंड हम यूज़ करें उसके अंदर पोरोसिटी और परमेबिलिटी की प्रॉपर्टी अच्छी हो। और हमारे पास अब जो इसका जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है अडहेसिवनेस। अडहेसिवनेस क्या होता है, ये सैंड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो सैंड है किसी दूसरे सरफेस पे स्टिक रहता है, अडहेयर रहता है या क्लिंग रहता है। अब दूसरा सरफेस क्या है सैंड के अलावा, वो है जो मोल्डिंग बॉक्स है या मोल्डिंग जो फ्लास्क है, फ्लास्क की जो सरफेस है, जो साइड है फ्लास्क के, वहाँ पे जो सैंड है वो अच्छी तरह से स्टिक रहे, अडहेयर रहे। ये सारा पॉसिबल होगा जो सैंड की अडहेसिवनेस की प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या है कि अगर ये प्रॉपर्टी है
तो जो सैंड मास है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो हमारा सैंड होता है जो ड्रैग और कोप के अंदर होता है वो मोल्डिंग बॉक्स में बड़ी अच्छी तरह से वो होल्ड रहता है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है तो इससे क्या होगा कि जब बॉक्स को टिल्ट करेंगे तो इससे कि वो नीचे गिर जाएगा अगर उसमें एडहेसिवनेस की कमी है। तो इसलिए जो एडहेसिवनेस की प्रॉपर्टी है उसका मोल्डिंग सैंड में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कोलैप्सिबिलिटी। कोलैप्सिबिलिटी क्या होता है, ये सैंड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो मोल्ड है ऑटोमेटिकली अपने आप कोलैप्स और ब्रेक हो जाता है जब हमारी कास्टिंग की सॉलिडिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद हमारा ज़रूरत होती है कि जो मोल्ड है वो ब्रेक हो जाए, और जो कोलैप्सिबिलिटी है उसकी वजह से ही फ्री श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन होता है कास्टिंग का। अगर मोल्ड और जो कोर हैं वो ईजिली कोलैप्स नहीं होंगे, ईजिली ब्रेक नहीं होंगे, तो इससे क्या होगा जो फ्री कॉन्ट्रैक्शन है उसको ये रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और इससे क्या होगा जो कास्टिंग के अंदर है वो डिफेक्ट हो जाएंगे, कास्टिंग टीयर हो जाएगी, कास्टिंग के अंदर क्रैक्स आ जाएंगे। अगर इन चीज़ों से हमें बचना है तो हमारी जो सैंड है, जो मोल्डिंग सैंड है, उसके अंदर जो कोलैप्सिबिलिटी है कम से कम हो। अगर कोलैप्सिबिलिटी कम होगी तो उसका ईजिली कोलैप्स हो जाएगा। और जो मोल्डिंग सैंड है उसकी अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ब्रेकिंग ऑफ मोल्डिंग सैंड अराउंड द कास्टिंग बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है ड्यूरेबिलिटी। अब ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मोल्डिंग सैंड है जो उसको आप हीटिंग और कूलिंग के दौरान बार बार यूज कर सकते हैं। मतलब क्या है कि बार बार हीटिंग होगी उसके बाद कूलिंग होगी तो उस दौरान जो कास्टिंग के ऑपरेशन है रिपीटेड साइकिल होंगे, तो इन साइकिल्स के दौरान ये हमें अच्छी तरह से ये प्रॉपर्टी प्रोवाइड हो। और जो एबिलिटी होती है सैंड की जो रिपीटेड साइकिल पे हीटिंग और कूलिंग के रिपीटेड साइकिल पे मेंटेन रहता है उसको ही ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है मोल्डिंग सैंड की वो है कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मोल्डिंग सैंड की। ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो सैंड के जो ग्रेन्स हैं, मोल्डिंग सैंड के जो सैंड ग्रेन्स हैं, वो एक दूसरे के साथ अढेर रहते हैं, स्टिक रहते हैं, फर्मली बाइंड रहते हैं, और जिसकी वजह से जो कंस्ट्रक्टेड जो मोल्ड हम बनाते हैं वो अपनी शेप को उसी शेप में ढालकर रखता है, अपनी शेप को रिटेन रखता है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होगी तो जो मोल्ड हम चाहते हैं वैसा मोल्ड हमें नहीं मिलेगा। तो कंस्ट्रक्टेड मोल्ड के लिए इस प्रॉपर्टी का मोल्डिंग सैंड में होना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद जो कोहेसिवनेस है उसको लोग लार्जली अफेक्ट करते हैं वो होता है ग्रेन साइज, क्ले और मॉइस्चर कंटेंट। ये कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जिसकी वजह से जो कोहेसिवनेस की प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ता है। और कोहेसिवनेस बेसिकली तीन टाइप्स की होती है, पहला है ग्रेन स्ट्रेंथ, दूसरा है ड्राई स्ट्रेंथ और तीसरी है हॉट स्ट्रेंथ। अब ग्रेन स्ट्रेंथ क्या होती है, जब मोल्डिंग सैंड के अंदर जो मॉइस्चर होते हैं, जिस मोल्डिंग सैंड के अंदर अगर मॉइस्चर है उसको ग्रीन सैंड कहते हैं, और स्ट्रेंथ और कोहेसिवनेस जो ग्रीन सैंड की होती है उसको ग्रीन स्ट्रेंथ कहते हैं। उसके बाद है ड्राई स्ट्रेंथ, अगर जो मॉइस्चर है मोल्डिंग सैंड के अंदर अगर उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाए, अगर मॉइस्चर इवेपोरेट हो गए हैं, तो उससे क्या होगा कि जो सैंड है वो ग्रीन सैंड से ड्राई सैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ड्राई सैंड में की जो स्ट्रेंथ है वो इरोजन है जो मोल्डिंग सैंड के इरोजन को रजिस्ट करती है, और जिसकी वजह से एट दैट टाइम जो मोल्ड है वो हमारा उसी शेप में रहता है। और जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब मोल्टन मेटल को हम मोल्ड में प्योर करते हैं, उसमें डालते हैं, जो मॉइस्चर होते हैं सैंड के अंदर वो हॉट मेटल से की वजह से जो स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो मोल्डिंग सैंड है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है। तो जो स्ट्रेंथ होती है या कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है मोल्डिंग सैंड की ड्राई स्टेट में, उसको ड्राई स्ट्रेंथ कहते हैं। उसके बाद है हॉट स्ट्रेंथ, मॉइस्चर जब इवेपोरेट होते हैं सैंड से तो उसको कुछ, जब मॉइस्चर सैंड से इवेपोरेट हो गए हैं तो उसकी एक स्ट्रेंथ होती है उस टाइम पे जो टेम्परेचर पे वो मॉइस्चर एलिमिनेट होते हैं। अगर टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री से ज़्यादा है तो उस टाइम पे जो स्ट्रेंथ होती है मोल्डिंग सैंड की उस एलिवेटेड टेम्परेचर पे उसको हॉट स्ट्रेंथ कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फ्लोएबिलिटी और प्लास्टिसिटी। ये जो प्रॉपर्टी है सैंड की
इस प्रॉपर्टी की वजह से ही जो मोल्डिंग सैंड है वो फ्लो करता है, जब हम रैमिंग करते हैं थोड़े से फोर्स के साथ उसको प्रेस करते हैं तो जो मोल्डिंग फ्लास्क होता है उसके जो पार्ट होते हैं जैसे कोप है, ड्रैग है, जो पैटर्न है, वहाँ पे वो जितने भी पार्ट्स होते हैं वहाँ पे इजीली वो पैक हो जाता है प्रॉपरली, और पैटर्न के चारों तरफ वो प्रॉपरली पैक हो जाता है, जिसकी वजह से जो डिज़ायर्ड शेप हमें चाहिए वो मिल जाती है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होगी प्रॉपरली तो इससे हमें जो शेप हमें चाहिए वो नहीं मिलेगी पैटर्न की हेल्प से। दूसरा है, अगर हम वाटर को या क्ले को ऐड कर देते हैं ये प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, और इन ग्रेडियंट्स को हमें उतना ही ऐड करना है जितनी रिक्वायर्ड लिमिट है, इससे ज़्यादा करेंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। इन सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बाद भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मोल्डिंग सैंड के अंदर होना बड़ा ज़रूरी है। वो प्रॉपर्टी है जो मोल्डिंग सैंड है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो और हमें ईजिली अवेलेबल हो। दूसरा, इसको आप रिसाइकल्ड या रीयूजेबल कि इसको बार बार यूज़ कर सकें, ऐसा ना हो कि एक बार यूज़ करने के बाद हम इसको ना कर पाएंगे जिससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और लास्ट में क्या है कि इसका जो कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन है वो कम होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया मोल्डिंग सैंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और इन प्रॉपर्टीज़ के क्या क्या इफ़ेक्ट हैं अगर ये मोल्डिंग सैंड के अंदर नहीं होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और Anuniverse 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड इन डिटेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।